इजराइल ने आखिर क्यों मांगा अपने भारत सरकार से भारत का लेबर? ये इम्पोर्टेंट सवाल है भाई साहब, बहुत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए अगर इजराइल जा रहे हैं तो। हालांकि लेबर तो पड़ा हुआ है बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी, कई सारा देश में लेबर पड़ा हुआ है, पर अपने भारत से सिर्फ लेबर क्यों जा रहा है भाई साहब? अपना घर परिवार अपना मूल छोड़ के आप लोग इजराइल में जा रहे हैं काम करने के लिए, कहीं ना कहीं ज़्यादा सैलरी के लिए। तो भाई साहब इस वीडियो का आप लोग देखिए, बहुत ही बड़ी आप लोग के लिए न्यूज लाया हूँ। तो इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को पूरी कहानी बताने वाले हैं, जो कि मेरे भारत से जो भी लेबर जा रहे हैं काम करने के लिए, तो सिर्फ भारत के लेबर क्यों जा रहे हैं काम करने के लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं भाई साहब। आप लोग वीडियो को स्किप करके वॉच मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को आधा अधूरा जानकारी मिल पाएगा। आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑन करके आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। इजराइल से रिलेटेड नए अपडेट के साथ में, यानी नए वीडियो के साथ में आप लोग के बीच में हम डेली बाई डेली आते रहते हैं, यानी नई जानकारी के साथ में इजराइल से रिलेटेड। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। युद्ध के बीच इजराइल ने भारत से क्यों मांगे 1 लाख मजदूर? अब क्या प्लान कर रहे हैं नेतन्याहू? इजराइल इंडियन वर्कर। इजराइल पर हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया था। हमास ने हमले के साथ ही 90,000 फिलिस्तीनियों के पेट पे लात मार दी। दरअसल इजराइल ने निर्माण उद्योग में ज़्यादातर फिलिस्तीनी काम करते हैं, लेकिन हमास के हमले के बाद इनका परमिट रद्द हो गया। इजराइल ने भारत से 1 लाख श्रमिक मांगे। इजराइल ने भारत से 1 लाख श्रमिकों की मांग की 7 अक्टूबर के हमले के बाद। इजराइल में काम ठप हो गया, ठीक है। इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। युद्ध के बाद इजराइल की ओर से गाजा पट्टी पर बम बरसाए जा रहे हैं। इस बीच इजराइल ने भारत से तत्काल में 1 लाख श्रमिकों की मांग की है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियां ने सरकार से 1 लाख भारतीय श्रमिकों की भर्ती करने की अनुमति मांगी है, ताकि 90,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को रिप्लेस किया जा सके। 7 अक्टूबर को हमास की ओर से हमले के बाद से फिलिस्तीनियों का काम करने का परमिट जो होता है वो रद्द कर दिया गया है। इजराइल में निर्माण से जुड़ी कंपनी पारंपरिक तौर पर फिलिस्तीनी श्रमिक काम करते रहे। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इन लोगों को काम से हटा दिया गया, यानी फिलिस्तीनियों को काम से हटा दिया गया हमले के बाद, ठीक है। इस कारण अब इजराइल में निर्माण के सभी काम पूरी तरह ठप है। जिन बिल्डिंगों का कुछ दिनों पहले लगातार निर्माण हो रहा था, अब वह साइट पूरी तरह खाली है। जिन लोगों ने मकान खरीद रखे हैं, वो लोग बिल्डर्स पर काम को जारी रखने का दबाव बना रहे हैं। इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन के मुताबिक 90,000 फिलिस्तीनियों मजदूरों में फीसदी गाजा और बाकी वेस्ट बैंक से है। भारतीय मजदूरों को लाने की हो रही है बात, ठीक है। इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने कहा कि हम 50,000 से 1 लाख भारतीय मजदूरों को लाने के लिए सरकार से बातचीत कर रहे हैं। हमास के हमले के बाद कई फिलिस्तीनियों जो अभी तक इजराइल में काम कर रहे थे, उनके सामने भी मुश्किल खड़ी हो गई है। एक शख्स ने कहा, मैं होटल पर चाय पीता हूँ, घर जाकर खाना खाता हूँ और फिर होटल पर अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ। मेरे पास अब काम नहीं है। फिलहाल अभी इजराइल में जो निर्माण साइटें चल रही उनमें ज़्यादातर चीनी नागरिक हैं। भारत इजराइल के बीच हुई थी डील। इजराइल ने पहले ही भारत से श्रमिकों को बुलाने के लिए डील की थी। मई में इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेल भारत की यात्रा पर आए थे, तब दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था जिसके मुताबिक इजराइल में 42,000 भारतीय श्रमिक जाएंगे, जिनमें से 34,000 कंस्ट्रक्शन फील्ड में कार्य करेंगे। इजराइल का कंस्ट्रक्शन बाजार में भारतीयों के लिए नया होगा। इजराइल पहले से ही फिलिस्तीनियों कर्मियों के बदले विदेशी श्रमिकों को लाना चाहता था। तो ये रहा इजराइल और भारत के बीच का न्यूज। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़ मेरे भाई लोग, ताकि और मेरे भाई लोगों को पता चल सके। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यानी इजराइल से रिलेटेड न्यू अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।